दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वेव पार्टिकल डुअलिटी, या इसको आप एक और नाम दे सकते हो डी ब्रोगली मेटालॉजी। दोस्तों अगर आप बीएससी में हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के नोट्स बना रहे हैं तो आज का ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। तो पहले इस टॉपिक के नाम के बारे में बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक का नाम ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी का क्या मतलब होता है फिजिक्स में। तो इन सम सिचुएशन क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये टेस्ट हुआ कि कुछ कंडीशंस में या कुछ सिचुएशंस में पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव्स। ठीक है, अगर आप कहोगे कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये सब चीजें हमें मिली कि पार्टिकल बिहेव वेव की तरह बिहेव करते, तो एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन बीम शोज डिफ्रेक्शन पैटर्न। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम से हमने डिफ्रेक्शन पैटर्न एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन बीम अगर डिफ्रेक्शन पैटर्न शो कर रही है तो डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें किसके लिए मिलता है, सिर्फ वेव के लिए डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल अगर डिफ्रेक्शन पैटर्न शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल बिहेव लाइक अ वेव। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ये भी टेस्ट हुआ वेव बिहेव लाइक पार्टिकल। ठीक है, अगेन कुछ कंडीशंस में, ठीक है, वेव बिहेव लाइक अ पार्टिकल। अब आप कहोगे कि इसका एग्जांपल दे दो सर, तो इसका एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि होता क्या था कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में क्या हुआ कि जब वेव एक मेटल प्लेट पे जब वेव इंसिडेंट हुई तो इलेक्ट्रॉन निकल आ गया, मेटल प्लेट से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये वाला फिनोमिना जो एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर हुआ था, इस फिनोमिना को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते थे जब हम लाइट को, ये जो लाइट है जो मेटल प्लेट पे हमने डाली है, उस लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करें। क्योंकि ये तभी पॉसिबल है कि एक पार्टिकल ने मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन को हिट किया और इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर आ गया। तभी हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करें। जबकि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेव जो लाइट वेव है बिहेव लाइक अ पार्टिकल। ठीक है, तो आप कहोगे अब ये वेव पार्टिकल डुअलिटी का क्या मतलब है। यही है मतलब कि जो वेव है अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगे और पार्टिकल अगर वेव की तरह बिहेव करने लगे तो इस बिहेवियर को ही वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, मिटा दूं इसको और अच्छी तरह से समझते हैं, पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो। फिजिक्स में जो ये वेव पार्टिकल डुअलिटी टर्म था ये लाइट के लिए यूज किया गया, वेव पार्टिकल डुअलिटी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, डुअलिटी मतलब पार्टिकल बिहेव लाइक अ वेव एंड वेव बिहेव लाइक अ पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो ये वेव पार्टिकल डुअलिटी टर्म लाइट के लिए यूज किया गया। अब आप कहोगे कि ये लाइट के लिए क्यों यूज किया गया, तो मैं आपको बताऊं कि जो लाइट थी वो कभी कभी
some situation it behave like wave, ठीक है, and other situation it behave like particle. क्लियर हो गई बात? तो जो वेव पार्टिकल डुअलिटी टर्म है वो लाइट के लिए था कि लाइट कुछ कंडीशन में एज अ वेव ट्रीट होती थी और कुछ कंडीशन में लाइट एज अ पार्टिकल ट्रीट होता था. अब आप कहोगे जब वेव थी तो वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जब लाइट को पार्टिकल ट्रीट करते थे तो हम लाइट को फोटोन बनाते थे, बोलते थे ये एक एनर्जी पैकेज है. अब आप कहोगे सर ये आप कैसे कैसे बोल दे रहे हो, इसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? तो मैं आपको बताऊं इसके पीछे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है कि जो लाइट के फिनोमिना है, फिनोमिना ऑफ लाइट के एग्जांपल ले लेते हैं. फिनोमिना ऑफ लाइट, ठीक है, तो मैं कुछ फिनोमिना एग्जांपल में ले लेता हूं और उसको समझते हैं कि कैसे एक्सप्लेन किए गए, ठीक है. तो जैसे लाइट के फिनोमिना फॉर एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड फिनोमिना रिफ्रैक्शन ले लेते हैं रिफ्रैक्शन, थर्ड फिनोमिना ले लेते हैं इंटरफेरेंस, फोर्थ ले लेते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है, एक और फिनोमिना ले लेते हैं फिफ्थ ले लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये सब लाइट के फिनोमिना है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और लाइट का एक और फिनोमिना ले लेते हैं कॉम्पसन इफेक्ट, ठीक है. वैसे तो लाइट के बहुत सारे फिनोमिना है बट जो मेन है उनको ले लेते हैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं कॉम्पसन इफेक्ट, ठीक है. कॉम्पसन बहुत सुंदर लिखा है, कॉम्पसन इफेक्ट. अब देखते हैं कि ये फिनोमिना कब एक्सप्लेन हुए, हमने लाइट को क्या अज्यूम किया इन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए. तो पहले बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो लाइट को जब हम वेव ट्रीट करते थे, वेव मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब हम ट्रीट करते थे, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जब लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रीट करते थे तब भी हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकते थे. इनफैक्ट हम जब लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते थे तब भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन दोनों को ही एक्सप्लेन कर पाते थे. इसका मतलब लाइट बिहेव लाइक अ वेव एंड लाइट बिहेव लाइक अ पार्टिकल. बट कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिसमें लाइट एज अ वेव ही ट्रीट हुई. कहने का मतलब है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन को समझाने के लिए लाइट को एज अ वेव ट्रीट करना पड़ा. कहने का मतलब क्या है कि अगर लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते थे तो हम इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे. इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को सिर्फ और सिर्फ वेव ट्रीट करना पड़ा, तभी ये फिनोमिना एक्सप्लेन हुए, ठीक है. ऐसे ही फिजिक्स के और फिनोमिना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने के लिए लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करना पड़ा. पार्टिकल कहने का मतलब लाइट को फोटोन कहना पड़ा. जब हमने लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया तब जाके हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट को फिजिक्स में एक्सप्लेन किया. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब ये है कि जो हमारी लाइट है, लाइट बिहेव लाइक वेव एंड बिहेव लाइक पार्टिकल, बिहेव लाइक पार्टिकल, इसी को वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं, ठीक है. वेव पार्टिकल डुअलिटी सिर्फ लाइट के लिए नहीं, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी वेरीफाइड है.
कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन भी वेव पार्टिकल डुअलिटी शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी है और एज अ वेव भी है। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की बीम डिफ्रेक्शन पैटर्न शो करती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, एज अ वेव नेचर भी शो कर रहा है, ठीक है। या इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी आप लिख सकते हो, इन सम सिचुएशन, इन सम सिचुएशन लाइट बिहेव लाइक वेव एंड इन अदर सिचुएशन, अदर सिचुएशन लाइट बिहेव लाइक पार्टिकल, ठीक है। जैसा कि मैंने इस टेबल में भी दिखाया है, दिस फिनोमिना फिनोमेना इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इस टॉपिक का नाम वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या है, डुअलिटी है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं मिटा दूं। अब समझते हैं इस टॉपिक का नाम डी ब्रोगली मेटल वेव क्यों पड़ा। तो देखो, डी ब्रोगली वर्ड आया एक साइंटिस्ट के नाम से जिनका पूरा नाम है लुइस डी ब्रोगली। उन्होंने ये थ्योरी लिखी जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, किस नाम से, डी ब्रोगली मैटर वेव के नाम से। ये थ्योरी उन्होंने 1924 में ली थी। अब इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला वो समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक, मतलब 1924 से अब तक, इससे पहले देखा गया कि जो लाइट होती है वो क्या शो कर रही थी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी। कहने का मतलब है लाइट कुछ कंडीशन में एज अ वेव बिहेव कर रही थी और कुछ कंडीशन में एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही थी, अभी हमने देखा, ठीक है। वेव के नाम पे हम कौन सी वेव यूज करते हैं, लाइट को एज अ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव ट्रीट करते हैं, और जब लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं तो हम लाइट को एज अ फोटोन ट्रीट करते हैं। कहने का मतलब है एनर्जी के पैकेट। तो लाइट, मतलब 1924 से पहले इतने फिनोमिना लाइट के डिस्कवर हो चुके थे जिससे हमें ये पता चल चुका था कि लाइट वेव पार्टिकल डुअलिटी शो करती है, यानी लाइट कुछ कंडीशन में एज अ वेव की तरह बिहेव करती है और लाइट कुछ कंडीशन में एज अ पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था, मतलब क्या करा अपने इस थ्योरी में, उन्होंने बोला कि जितने भी मटीरियल पार्टिकल होते हैं, मटीरियल पार्टिकल्स, अब आप कहोगे मटीरियल पार्टिकल क्या क्या मतलब है, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, मटीरियल पार्टिकल्स है। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला, मटीरियल पार्टिकल्स, या सिंपली अब हम इन्हें क्या कह सकते हैं, पार्टिकल्स इन मोशन बिहेव लाइक वेव। या इसी बात को हम सिंपल ये कह सकते हैं, इसी बात को मैंने क्या बोला कि ये एक स्टेटमेंट है, मींस पार्टिकल्स शो वेव पार्टिकल डुअलिटी, मींस इसी चीज को हम ऐसे भी ले सकते हैं, मींस मटेरियल पार्टिकल शो वेव पार्टिकल, पार्टिकल्स शो वेव पार्टिकल डुअलिटी। उन्होंने बोला कि सिर्फ लाइट ही नहीं है जो वेव पार्टिकल डुअलिटी शो करती है,
जितने भी मटेरियल के पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये भी वेव पार्टिकल ड्यूलिटी शो करते हैं। अब इसके पीछे उन्होंने क्या थ्योरी दी उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, नहीं तो बात तो हमें पूरे इस वीडियो में इसी टॉपिक की करनी है तो आप समझ ही जाओगे। उन्होंने अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, उन्होंने क्वांटम थ्योरी का यूज किया, ठीक है, क्वांटम थ्योरी प्लस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज किया। और अपना ये कॉन्सेप्ट देने के लिए, ठीक है, अपना ये जो उन्होंने बातें कही इसको इसको इस थ्योरी को देने के लिए उन्होंने क्वांटम थ्योरी प्लस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज किया, ठीक है, इसको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे इस वीडियो में, बट अभी इंट्रोडक्शन में इतना ही समझो क्योंकि डी ब्रोगली तो आपको समझा दिया है इस टॉपिक के नाम में क्यों आया, अभी मैटर वेव कहां से आया वो समझाया, ठीक है। तो देखो इस स्टेटमेंट में पार्टिकल इन मोशन बिहेव लाइक अ वेव, अगर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है तो उसके पास वेव का कैरेक्टर होना चाहिए। वेव का क्या कैरेक्टर होता है, देखो अगर मैं कहूं वेव है तो वेव के पास या तो वेवलेंथ होनी चाहिए या तो उसके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर मैं किसी पार्टिकल की या तो वेवलेंथ कैलकुलेट कर लूं या तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा था। तो उन्होंने लुईस डी ब्रोगली ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करते हुए एक फॉर्मूला दिया जिससे हम किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते थे। उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड पी इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो आपको पता है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैसे डिफाइंड है, मास इंटू वेलोसिटी से, ठीक है, इसी के बारे में पूरी वीडियो में बात करनी है तो आप समझ लोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, पी क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मैंने लिख दिया, इन सबको मिटा दूं। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो डी ब्रोगली ने इस बात को जस्टिफाई करने के लिए उस वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लिया। तो उन्होंने क्या कहा, अब ये मैटर वेव टर्म आया कहां से, ये डी ब्रोगली ने इंट्रोड्यूस किया, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो पार्टिकल वेव कैरेक्टर शो कर रहा है, मीन्स इसके अराउंड एक वेव जनरेट हो गई है इस तरह से, ठीक है। तो जब पार्टिकल मोशन में था तो जो वेव का नेचर शो कर रहा है उस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं, मैटर वेव, या इसको हम डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक का नाम डी ब्रोगली मैटर वेव क्यों पड़ा, क्योंकि इस थ्योरी में डी ब्रोगली ने यह बताया कि हर एक मटेरियल पार्टिकल लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सब वेव नेचर शो करते हैं, और जो पार्टिकल वेव नेचर शो करता है उस वेव को मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में आपको क्या लिख के आना है, नोट्स में आप क्या लिखोगे वो भी देख लेते हैं। तो जब आप इस टॉपिक के नोट्स बनाओगे तो आप ये सब चीजें नोट कर सकते हो जो मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। मैंने यहाँ नोट किया है द वेव थ्योरी ऑफ लाइट सक्सेसफुली एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ लाइट सच एज इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन विच शोज दैट लाइट हैज वेव नेचर। कहने का मेरा मतलब वही है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने जो फिनोमिना एक्सप्लेन किए जैसे इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन, तो इसे ये पता चला कि जो लाइट है वो वेव ही है या लाइट के पास वेव नेचर होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट सक्सेसफुली एक्सप्लेन
द फिनोमिना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम दिस शोज दैट लाइट बिहेव लाइक पार्टिकल। कहने का मतलब क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती थी, वो कहती थी कि लाइट पार्टिकल होते हैं जिनको हम फोटोन कहते हैं और लाइट जो होती है वो फोटोन के फॉर्म में मूव करती है। तो जब हम ये अज्यूम कर रहे थे तो हम इस थ्योरी की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पा रहे थे, कॉम्पटन इफेक्ट के फिनोमिना को भी एक्सप्लेन कर पा रहे थे और जो भी उस टाइम के नए नए फिनोमिना थे लाइक लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन सभी फिनोमिना को हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर पा रहे थे। इसका मतलब ये था कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। दस यानी इन दोनों ही बातों को अगर हम ध्यान दें तो इसका मतलब ये हुआ दस लाइट पजेस अ डुअल कैरेक्टर मीन्स इन सम सिचुएशन लाइट बिहेव लाइक अ वेव एंड इन अदर सिचुएशन लाइट बिहेव लाइक पार्टिकल। कहने का मतलब इसका ये है कि अगर हम इन सभी बातों को ध्यान से समझे तो इसका मतलब ये है कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसमें लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है, डिफ्रेक्शन हो रहा है या पोलराइजेशन हो रहा है तो हम कहेंगे वहां लाइट एज अ वेव बिहेव करती है। और अगर हमें कैसे कैसे फिनोमेना देखने के लिए मिलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट, तो इन सिचुएशंस में लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। इसका मतलब लाइट के पास डुअल कैरेक्टर है, ठीक है। दस लाइट पजेस अ डुअल कैरेक्टर मीन्स इन सम सिचुएशन लाइट बिहेव लाइक अ वेव एंड इन अदर सिचुएशन लाइट बिहेव लाइक अ पार्टिकल। अब इसी बातों को उन्होंने डी ब्रोगली ने ध्यान से समझा और अपनी नई थ्योरी दी जो मैंने नीचे लिखी है। इन एनालॉजी विथ डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट लुइस डी ब्रोगली इन 1924 इंट्रोड्यूस अ हाइपोथेसिस दैट, तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या था, ऑल मटीरियल पार्टिकल इन मोशन पजेस वेव नेचर ऑल्सो। यहाँ पे मैंने एक नई बात एड कर दी है, मैंने वहां पे स्टार्टिंग में यही समझाया था जो मटीरियल पार्टिकल्स होते हैं उनके पास वेव नेचर होता है, लेकिन ये वेव नेचर मटीरियल पार्टिकल के पास आया कहां से उसको एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रोगली ने कहा कि अगर मटीरियल पार्टिकल मोशन में होते हैं तो, कहने का मतलब है उनके पास एक वेलोसिटी हो या मोमेंटम हो, तो उस वेलोसिटी या मोमेंटम की वजह से उस पार्टिकल के पास एक वेव नेचर आ जाता है। तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं ऑल मटीरियल पार्टिकल इन मोशन, अगर मटीरियल पार्टिकल मोशन में नहीं है तो इसका मतलब उसके पास वेव नेचर नहीं आएगा। वेव नेचर आने की कंडीशन यह है कि उसके पास एक मोशन होना चाहिए यानी उसके पास एक मोमेंटम होना चाहिए या उसके पास एक वेलोसिटी होनी चाहिए तभी उस मटेरियल पार्टिकल के पास वेव नेचर आएगा। इस लाइन का ये मतलब है, इट मीन्स ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन पजेस वेव नेचर ऑल्सो। कहने का मतलब पार्टिकल तो पहले से पार्टिकल नेचर शो करेगा बट वो वेव नेचर तब शो करेगा जब वो पार्टिकल मोशन में होगा यानी उस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी होगी अपनी या अपना एक मोमेंटम होगा तब जाके उस पार्टिकल के पास वेव नेचर आएगा। क्लियर हो गई बात। अकॉर्डिंगली पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ईटीसी, कहने का मतलब मटीरियल पार्टिकल का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब पार्टिकल कैसे हैं मटीरियल पार्टिकल होते हैं। तो अकॉर्डिंगली पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ईटीसी हैव वेव एसोसिएटेड विद देम, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है प्रोटॉन मोशन में है तो ये पार्टिकल के पास एक वेव नेचर भी आ जाएगा यानी इनके साथ एक वेव भी मूव करेगी जो इस पार्टिकल की पोजीशन या कहने का मतलब इस पार्टिकल के मोशन को गाइड करेगी। यानी ये वेव कैसी होगी, ऐसी वेव होगी जो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को गाइड करेगी। जैसे कहने का मतलब है आप समझो कि मतलब पानी में मैंने कई सारे छोटे छोटे पत्ते डाल दो या ऐसे लाइट पार्टिकल हमने डाल दिए जो पानी के ऊपर तैर सके, तो जैसे जैसे पानी में वेव जनरेट होती है वो पार्टिकल उसी के हिसाब से मोशन करता रहता है। तो कहने का मतलब है पानी की जो वेव है वो उस पार्टिकल के मोशन को गाइड कर रही है। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये जो मटेरियल पार्टिकल होते हैं ये मोशन में होते हैं तो इनके पास एक वेव नेचर आ जाता है। उस वेव को डी ब्रोगली ने क्या कहा, ये मैटर वेव है या डी ब्रोगली वेव है और ये वेव उस पार्टिकल के मोशन को गाइड करती है। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को और अच्छी तरह से समझते हैं जो मेन डी ब्रोगली प्रिंसिपल कह लो या डी ब्रोगली
मेटल वेव थ्योरी कह लो, वो क्या थी, ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन पजेस वेव नेचर ऑल्सो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि वेव नेचर पार्टिकल के पास कब आएगा, जब वो मोशन में होगा। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जब पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पार्टिकल है, अगर वो मोशन में है तो उसके पास एक वेव का कैरेक्टर आ जाएगा इस तरह से। तो ये वेव का कैरेक्टर कैसा होगा, ये वेव इस पार्टिकल के मोशन को गाइड करेगी। ठीक है, और डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो पार्टिकल, कहने का मतलब है इसकी वेव को हम ऐसे दिखाते हैं, जनरली फिजिक्स में इस वेव को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब आपको अगर डायग्राम बनाना हो तो ऐसा बना सकते हो आप, ये क्या है पार्टिकल, ठीक है, जो मोशन में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टिकल जो मोशन में है इसके पास एक वेव आ जाएगी, इस वेव को हम क्या कहेंगे, मैटर वेव कहेंगे, मैटर वेव, या इसका एक और नाम है डी ब्रोगली वेव। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हो मैटर वेव का, तो ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना कि ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते रहना चाहिए, यानी ये डिक्रीज होते होते प्लेन हो जाए, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते होते प्लेन हो जाए। तो ऐसी वेव इस पार्टिकल के मोशन को गाइड करेगी और इस वेव को हम मैटर वेव कहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर रहा है और एज अ वेव भी बिहेव कर रहा है। क्लियर होगी बात? ठीक है, यहां से तो आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, फिजिक्स में डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि कॉपी भरना जरूरी है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये टर्म मोशन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो देखो, पहले नोट्स बनाना अब खत्म करते हैं, अब थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी की ही हेल्प ली। उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती थी, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो लाइट होती है वो पार्टिकल होते हैं और लाइट के पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, और लाइट के हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, यानी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन का एक्सप्रेशन किन्होंने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था, वो था एच न्यू। यहां पे क्या है, ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एच इज द प्लांक कांस्टेंट, मैं बता चुका हूं प्लांक कांस्टेंट, और ये क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्वांटम थ्योरी पहले से बता चुकी थी, कहने का मतलब है अभी भी बात हो रही है ये 1924 से पहले की। ठीक है, यानी इससे पहले ये क्वांटम थ्योरी बता चुके थी कि जो लाइट होते हैं वो पार्टिकल होते हैं, उनके पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं और हर एक फोटोन की एनर्जी का एक्सप्रेशन ये होता है। ठीक है, अच्छा एक और थ्योरी थी, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, अभी हमें बस ये बस एक बात एक्सप्लेन करनी है, क्यों मोशन जरूरी है, अगर पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसके पास वेव नेचर क्यों नहीं आता है, बस उसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम ये एक्सप्लेन कर देंगे कि डी ब्रोगली मैटर वेव क्या होती है। ठीक है, तो हमें एक्सप्लेन क्या करना है कि पार्टिकल के पास वेव नेचर सिर्फ और सिर्फ मोशन में ही क्यों होता है, वो जब रेस्ट में होता है तब क्यों नहीं होता है, तो उसका रीजन हम देने की कोशिश करेंगे, वहीं से डी ब्रोगली मैटर वेव का फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। अच्छा, अब आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी 1905 में, एक थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग किसी पार्टिकल की, पार्टिकल विच हैज रेस्ट मास, ठीक है, आप कहोगे ये रेस्ट मास आप यूज क्यों कर रहे हो, विच है रेस्ट मास, समझाना तो पड़ेगा ही, रेस्ट मास को हम एम नॉट से लिखेंगे। ठीक है, अब रेस्ट मास क्या होता है, तो देखो आइंस्टीन ने, यहां तक हम इसे बंद कर देते हैं, आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया कि अगर मास, फॉर एग्जाम्पल कोई मास है एम नॉट, अगर वो वी वेलोसिटी से मूव करे तो मास चेंज होता रहता है, उसका फॉर्मूला ये है, यहां पे m क्या है, m नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, m क्या है, मूविंग मास ऑफ पार्टिकल, मूविंग मास यानी वो मास जो उसके मोशन के वजह से आ गया उसके पास,
तो मूविंग मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्लियर हो गई बात। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इतनी बातें नोट करो, तब तक मैं अपना टाइम चेंज कर रहा हूं। तो इतनी बातें नोट करने के बाद ये समझ लो कि जो बॉडी का रेस्ट मास होता है वो कम होता है। ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको दिखेगा कि m ज्यादा होगा m नॉट से, यानी मूविंग मास हमेशा ज्यादा होता है रेस्ट मास से कंपेयर, ठीक है। तो ये हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया, बट अभी हमें किसकी बात करनी है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारे पास एक पार्टिकल है विच हैज रेस्ट मास एम नॉट एंड हैज मोमेंटम पी, देन टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, एक्सक्यूज मी डार्लिंग, आई हैव अ मैसेज फॉर यू, टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल का फॉर्मूला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने क्या दिया, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर फोर। आपको सारे टर्म्स पता है क्या है, देखो पी है मोमेंटम, एम नॉट क्या है रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, पार तो आप देखे रहे। इनफैक्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पॉपुलर फॉर्मूला है जिसको आप पढ़ते हो, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहां पे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है इस फॉर्मूले की, कि यहां पे m है इज द मूविंग मास, कहने का मतलब m की वैल्यू रेस्ट मास रखोगे तो रेस्ट में उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी का पता चल जाएगा। अगर यहां पे m की वैल्यू मूविंग मास के बराबर रखोगे तो इन मोशन उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी पता चल जाएगी, यानी इस m की वैल्यू आप जो पुट करोगे एनर्जी उस पोजीशन में मिल जाएगी। कहने का मतलब है m के जगह अगर रेस्ट मास पुट करोगे तो ये टोटल एनर्जी इन ऑफ रेस्ट मास की पता चल जाएगी, अगर m की वैल्यू आप मूविंग मास की रखते हो तो इन मोशन टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इस फॉर्मूले से भी पता चल जाएगा। ये हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया, ठीक है। अब इस थ्योरी ऑफ मतलब कहने का क्या मतलब है, 1924 से पहले जो जो चीजें हमें पता थी वो डी ब्रोगली ने पहले समझ ली, अब उसको फिर अप्लाई करा, कैसे अप्लाई करा वो समझ लो, ठीक है। डी ब्रोगली ने क्या बोला कि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग रेस्ट मास ऑफ फोटोन, एम नॉट की वैल्यू जीरो होती है फॉर फोटोन, कहने का मतलब है फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोटोन की टोटल एनर्जी E इक्वल टू क्या होना चाहिए, E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर होनी चाहिए, बिकॉज फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है जीरो होता है, फॉर्मूले में यहां जीरो पुट करोगे तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इज द टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। बट हमें फोटोन की एनर्जी का एक और फॉर्मूला पता है, तो फटाफट इस चीज को नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि फोटोन की एनर्जी के तो हमें दो दो फॉर्मूले पता है, तो दोनों को कंपेयर कर दिया डी ब्रोगली ने, उन्होंने क्या किया इस एनर्जी के इक्वल रखा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल टू पी सी, ये दोनों ही फोटोन की एनर्जी के एक्सप्रेशन है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पी सी बाई एच, यहां से वेवलेंथ निकाल लें, देखो अरे सिंपल सी बात है, न्यू लैम्डा इक्वल टू सी होता है लाइट के केस में, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ की का मल्टीप्लीकेशन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है, तो यहां से हम न्यू की वैल्यू निकालें तो सी बाई लैम्डा हो जाएगी, यहां पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा इक्वल टू पी सी बाई एच, सी से सी कैंसिल, ठीक है। इस फॉर्मूले को और अच्छी तरह से लिखोगे, अब इस बात इन बातों को हम निकाल देते हैं, ठीक है, यहां पे साइड में लिख देते हैं, तो इसको और आप एक्सप्लेन करोगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इस ये एच ऊपर चला जाएगा पी नीचे आ जाएगा। मैं आपको बता दूं यहां पी क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ठीक है, यहां पे आप लिख दोगे, क्लियर,
टी क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, बिकॉज यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो फोटोन के लिए यूज किया था, तो यहाँ पे जो पी होगा ये मोमेंटम ऑफ फोटोन होगा। तो कहने का मतलब है जो ये फॉर्मूला था ये लाइट के लिए था, ठीक है, इतना आप नोट कर लो, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं। तो डी ब्रोगली ने अब तक क्या प्रूफ किया, उन्होंने अपनी थ्योरी में प्रूफ किया कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है, किसके लिए, फॉर फोटोन, उन्होंने ये प्रूफ किया। यानी इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम, अगर मुझे फोटोन की वेवलेंथ पता है, इफ वी नो द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वी कैन कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्लियर होगी बात, इस फॉर्मूले की खास बात ये थी। इनफैक्ट इस फॉर्मूले की एक और खास बात थी, अगर मुझे फोटोन का मोमेंटम बताओ, इफ वी नो द मोमेंटम ऑफ फोटोन वी कैन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। क्लियर हो गई बात, इसका मतलब उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया था जहां से मैं, जिस फॉर्मूले से मैं वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को रिलेट कर सकता था, क्योंकि लैम्डा क्या बताता है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, सो ठीक है, और पी क्या बताता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना, लैम्डा क्या बताता है, वेव नेचर ऑफ लाइट, और पी क्या बताता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्लियर हो गई बात। इनफैक्ट एक और फॉर्मूला इससे पहले, ऐसा नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ एक यही इन्होंने ही नई बात बता दी, इससे पहले भी एक फॉर्मूला प्लांक ने बताया था एच न्यू। तो ये क्या बताता है, ये बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, और इस फॉर्मूले में दूसरी साइड जो न्यू है वो बताता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की, यानी वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। क्लियर हो गई बात, यानी फिजिक्स में, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में अब तक दो फॉर्मूले थे जिससे हम पता लगा सकते थे या कनेक्ट कर सकते थे वेव नेचर ऑफ लाइट को और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। अब इन सबके बाद डी ब्रोगली ने एक नई बात बोली, उन्होंने बोला, ठीक है, एक और बात मैं बता दूं, इस फॉर्मूले से ये भी क्लियर है कि इस लैम्डा को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। इस फॉर्मूले की खास बात क्या है, इस फॉर्मूले की खास बात ये है कि ये फॉर्मूला डी ब्रोगली ने बोला कि सिर्फ फोटोन पे अप्लाई नहीं होता है, ये फॉर्मूला हर एक पार्टिकल, हर एक लाइट पार्टिकल, यानी हल्के हल्के पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सब पे, इन सब के लिए एप्लीकेबल है। कहने का मतलब है हर एक पार्टिकल की हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं अगर उसके पास मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, पी इक्वल टू एम वी, ठीक है। कहने का मतलब उन्होंने क्या किया, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मटेरियल, दिस, ठीक है, इसको और अच्छी तरह से लिख सकते हैं, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव कहने का मतलब है ऐसी वेव जो मटेरियल पार्टिकल के साथ को गाइड करती है, इस वेव की बात करें। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इन मोशन,
उन्होंने सिंपल सी बात क्या करी, उन्होंने बोला ये फॉर्मूला सिर्फ फोटोन के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, हर एक चीज हर एक पार्टिकल के लिए अप्लाई हो सकता है। कहने का मतलब है उन्होंने क्या बोला, अब ये अप्लाई अब तक फोटोन के लिए क्यों हो रहा था, बिकॉज यहाँ पे पी क्या है, पी यहाँ पे था मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन था। बट अगर मैं मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल यूज कर लू, यानी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला यूज कर लू, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी। अब यहाँ पे एम इज द मूविंग मास, याद रखना, यहाँ पे ऐसा मत करना कि एम इज द रेस्ट मास, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, एम इज द मूविंग मास। क्लियर हो गई बात? हाँ, ये बात मैं बता दूं कि अगर वी की वैल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वैल्यू सी से बहुत कम है तो रेस्ट मास मूविंग मास से इक्वल होता है। अब आप कहोगे कैसे, ये कंडीशन है इफ, ठीक है। अब ये कैसे, फॉर्मूले पे आ जाते हैं, एम इक्वल टू एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर वी बहुत छोटा है तो सी तो इन्फाइनाइट बन जाएगा ना, तो वी बाई सी क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टेंस टू जीरो हो जाएगा अगर ये कंडीशन है तो। अगर ये जीरो हो गया तो सिंपल सी बात है एम इक्वल टू एम नॉट हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या होता है, अगर मैंने P की वैल्यू एम वी रखी है डी ब्रोगली फॉर्मूले में, याद रखना ये जो फॉर्मूला है ये डी ब्रोगली ने दिया था, अगर इस फॉर्मूले में मैं P इक्वल टू एम वी रखता हूं तो इसका मतलब M का मतलब यहाँ पे क्या है, मूविंग मास, याद रखना, भूलना मत, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि अगर स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट तो मूविंग मास रेस्ट मास के इक्वल हो जाता है, लगभग इक्वल हो जाता है, इक्वल नहीं लगभग इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब मिटा दूं इस बात को, तो अगर हम इस डी ब्रोगली यानी इस फोटोन के फॉर्मूले को किस पे अप्लाई करते हैं, इस फोटोन के फॉर्मूले को किस पे अप्लाई करना है हमें, मैटर वेव पे, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। यहां पे आप लिखोगे वेयर m इक्वल टू मास मूविंग मास ऑफ पार्टिकल, मूविंग मास ऑफ पार्टिकल, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, स्पीड ऑफ पार्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब यही सब बातें आप नोट्स में कैसे लिखोगे वो भी समझ लेते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। तो नोट्स में आप क्या लिख सकते हो, पहले तो जैसा प्रूफ मैंने किया था वैसा प्रूफ आप कर लेना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है, या इसको आप कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, पहले इसका ये प्रूफ जैसे मैंने करवाया था वैसे लिख लेना। प्रूफ करने के बाद आप क्या लाइनें लिखोगे, डी ब्रोगली सजेस्ट दैट दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर लाइट फोटोन एज वेल एज मटेरियल पार्टिकल। कहने का मतलब है डी ब्रोगली ने बोला था ये फॉर्मूला लाइट के फोटोन के लिए भी यूज कर सकते हैं और मटेरियल के पार्टिकल के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, सिंस मोमेंटम ऑफ मटीरियल पार्टिकल कैन बी डिफाइंड एज, क्योंकि हम किसी पार्टिकल का मोमेंटम फिजिक्स में कैसे निकालते हैं, मास इनटू वेलोसिटी से, यानी पी इक्वल टू मास एम इनटू वेलोसिटी, ठीक है। आपको पता है क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरी जिस थ्योरी से इस फॉर्मूले को प्रूफ किया गया था वो थ्योरी थी क्वांटम थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो क्वांटम थ्योरी में तो हमें पता है प्लैंक कॉन्स्टेंट एच आया, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें एक और नया टर्म मिला जो एक मूविंग मास और रेस्ट मास का टर्म था, तो हम मोमेंटम पी को इस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। वेयर यानी यहाँ पे जो p इक्वल टू एम वी लिखा है, वेयर m इज द मूविंग मास ऑफ पार्टिकल एंड m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जिसकी वेवलेंथ निकालनी है, जिसके लिए हमें मैटर वेव की वेवलेंथ निकालनी है, उस पार्टिकल का हम मोमेंटम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब रिलेशन मैं आपको बता चुका हूं कि मूविंग मास रेस्ट मास से कैसे रिलेटेड होता है, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हमने वन अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को गामा लिख दिया, तो इस फॉर्मूले को हम गामा एम नॉट लिख सकते हैं।
और सारे टर्म मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लिखोगे देन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल विल बी लैम्डा इक्वल टू, अब जहां पे मोमेंटम था वहां पे पार्टिकल के मोमेंटम की वैल्यू रख दोगे एच इक्वल टू एम वी, ठीक है। क्योंकि ये एम क्या है, मूविंग मास है, तो उसे रेस्ट मास के टर्म में क्या लिखोगे, एच अपॉन गामा एम नॉट वी। गामा क्या है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, ठीक है। कंडीशन बता सकते हो आप, अगर स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट तो एम इक्वल टू एम नॉट होता है, ये आप बता दो, ठीक है। और यहां तक आपका ये फुल नोट्स बन गए हैं किसके, डी ब्रोगली और डी ब्रोगली मैटर वेव के। तो डी ब्रोगली मैटर वेव में आपको यही सब लिख के आना है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है वो भी मैं बताता हूँ नोट्स में, यानी डी ब्रोगली मैटर वेव में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो डी ब्रोगली मैटर वेव जो टॉपिक है उससे फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में एक नई क्रांति आ गई, एक नया जज्बा आ गया कि अब बहुत इसके ऊपर एक मोटी मोटी बुक बना सकते हैं, ऐसा एक अप्रोच आ गई, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने अपने इस थ्योरी में क्या बताया कि जो मटेरियल पार्टिकल होते हैं उनकी हम वेव लेंथ, यानी उन मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड जो मैटर वेव होती है उसकी हम वेव लेंथ एच इक्वल टू पी, सॉरी एच अपॉन पी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। या इसको हम और ऐसे भी लिखते हैं पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ठीक है, आपकी मर्जी जैसी। एक फिजिक्स में एक नया वर्ड आता है नॉन रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है। नॉन रिलेटिविस्टिक केस क्या होता है, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस कहने का मतलब क्या है कि वो सभी केस जहां पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, तो वहां पे यानी फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक केस हमेशा एम इक्वल टू एम नॉट होता है, यानी रेस्ट मास हमेशा मूविंग मास के इक्वल होगा। यानी इसकी इनके फॉर्मूले को फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक केस डी ब्रोगली मैटर वेव के फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने अपनी थ्योरी में यह बताया कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल होते हैं उनके साथ भी एक वेव नेचर एसोसिएटेड होता है, जैसा कि मैंने इस फिगर में दिखाया कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसको गाइड करने वाली एक वेव जनरेट हो जाती है। कब जनरेट होगी, जब इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी होगी या मोमेंटम होगा, इसलिए जरूरी है इस पार्टिकल के मोशन में होना। अगर ये पार्टिकल रेस्ट में होगा ना तो वी इक्वल टू जीरो होगा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, जीरो। इस फॉर्मूले से हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, कहने का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, कहने का मतलब क्या है उसका मोमेंटम जीरो है, तो उस पार्टिकल के पास कोई वेव नेचर नहीं होगा, कहने का मतलब वेवलेंथ की वैल्यू जीरो होगी। यहां से हमें यह भी पता चला कि मैटर वेव के लिए जरूरी क्या है, पार्टिकल का मोशन में होना, ठीक है। डी ब्रोगली ने अपने इस थ्योरी की हेल्प से क्वांटम मैकेनिक्स में नए नए और कॉन्सेप्ट दिए, क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में अपने नए नए कॉन्सेप्ट दिए इस थ्योरी के बेस पे। इनफैक्ट उन्होंने इस थ्योरी के बेसिस पे बोहर की, जो बोहर ने अपनी थ्योरी दी थी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, बोहर ने, ठीक है, 1913 में बोहर ने, नील्स बोहर ने, ठीक है, नील्स बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए एक कंसेप्ट दिया था जिसके अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एच अपॉन टू पाई के इक्वल होना चाहिए, वेयर एन की वैल्यू क्या थी, 1, 2, 3, 4। उन्होंने ये अपना एक एजम्पशन दिया था उस वक्त, कब की बात है, 1913 की बात है, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने जब अपना कॉन्सेप्ट 1924 में ये दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि पार्टिकल के पास एक वेव नेचर होता है, तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने नील्स बोहर के हाइपोथेसिस, ये क्या था उस टाइम तक, हाइपोथेसिस था,
नील्स बोहर का हाइपोथेसिस था, जिस हाइपोथेसिस के बेसिस पे उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था, उस हाइपोथेसिस को डी ब्रोगली ने अपनी इस थ्योरी की हेल्प से प्रूफ किया। ये सब हम देखेंगे। और डी ब्रोगली मेटल वेव या डी ब्रोगली की इस थ्योरी ने क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या और नई बातें बताई, उन सबको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम डी ब्रोगली मेटल वेव की थ्योरी को वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम हम डाल सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेपर में ये बहुत बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन मोशन में कब आता है, आपको पता होगा कि जब दो प्लेट होती है, ठीक है, एक प्लेट को निगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है, एक को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है। तो इस प्लेट से अगर इस प्लेट को हमने हीट दी हो तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के पास मोशन कब आ सकता है, जब ऐसी कोई सिचुएशन हो। कहने का मतलब है अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी हो, क्लियर हो गई बात, अगर इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं किसकी हेल्प से, पोटेंशियल डिफरेंस वी की हेल्प से, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्लासिकल थ्योरी कहती है, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी कहती है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये काइनेटिक एनर्जी आई कैसे, ये एनर्जी आई जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया है, ठीक है। यहां पे हम बता देते हैं, यहां पे क्या है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप ये यहां पे ये मत लिखना कि मूविंग मास है, रेस्ट मास है, बिकॉज ये एक दिस इज अ नॉन रिलेटिविस्टिक केस, रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपको पता है कि m नॉट इक्वल टू m होता है, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती ही नहीं है कि हम उसकी कंपैरिजन लाइट की स्पीड के साथ करें। तो इसलिए यहां पे हम सिर्फ मास वर्ड यूज करेंगे, बिकॉज रेस्ट मास एंड मूविंग मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लासिकली इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी उसका एक्सप्रेशन हमें पता है, वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है कि हवा में करा रहा हूं, ये बता दो, अगर हवा में करा रहा हूं तो भी बता दो, ठीक है। यहां पे मैं बता दूं वेयर ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। क्लियर होगी बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मोशन कैसे आया, जब हमने इस इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, क्योंकि ये दोनों ही, अब थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन के पास मोशन में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है क्लासिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, बट इन केस ऑफ मोशन इलेक्ट्रॉन के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, बिकॉज ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये बाउंड कब था, जब एटम के अंदर था। कहने का मतलब है जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर मूव कर रहा था तब इस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के, कहने का मतलब एटम कहां थे, इस प्लेट के ऊपर थे, इस प्लेट के ऊपर जो एटम थे उनको छोड़कर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या रही, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो कहने का मतलब क्या है कि यही टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमें पता है ईवी, काइनेटिक एनर्जी भी हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से हम वी की वैल्यू निकाल लें, तो निकाल लेते हैं, मैं ये सब चीजें मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं।
क्योंकि वीडियो तो वैसे मेरे बहुत बहुत लंबे लंबे बनते हैं, तो यहाँ से v की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू टू ई वी अपॉन m, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू क्या हो गई, टू ई वी बाई एम अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ से हम, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता चल गई तो मोमेंटम भी पता चल सकता है, देन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना स्टार्टिंग में ही पहले ही लिख देना, दिस इज अ नॉन रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में एम नॉट यानी रेस्ट मास मूविंग मास के इक्वल होगा, लगभग इक्वल होगा। तो यहाँ पे अब हम रेस्ट मास मूविंग मास की बात नहीं कर रहे हैं, क्लियर हो गई बात। तो देन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू एम वी, एम की वैल्यू वी की वैल्यू हमें पता है तो क्या हो जाएगा, एम अंडर रूट ई टू अंडर रूट टू ई वी बाई एम, ठीक है। यानी इसको और सॉल्व करें तो पी हो जाएगा अंडर रूट टू ई वी एम, क्लियर हो गई बात। या अच्छी तरह से एम ई वी लिख देते हैं, टू एम ई वी, क्लियर हो गई बात। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड मैटर वेव है उसकी वेव लेंथ हम निकाल सकते हैं, देन तो आप लिख सकते हो यहां पे वोल्टेज हम दिखा देते हैं, देन वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन विल बी कितनी हो जाएगी, हमें जस्ट क्या करना है, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी यानी एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई वी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की के साथ जो एसोसिएटेड मैटर वेव होती है उसकी वेवलेंथ का एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी ये होगा, क्लियर हो गई बात। कितना आप नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा, ठीक है। आपको कुछ चीजें तो पता ही है, क्या क्या पता है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हमें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर आप इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे, क्लियर हो गई बात, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 150 बाई बी, या इसको और आप सॉल्व कर सकते हो 12. कितना होता है 12.27, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट मैं पहले ही बता दूं, एंगस्ट्रॉम में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा सेंसिटिव मत होना कि सर ये मीटर में आप रखोगे, एंगस्ट्रॉम की यूनिट में निकालना, ठीक है। ऐसी ये 12.27 अपॉन अंडर रूट बी, ये भी एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड मैटर वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हो। यहां पे मैं बता दूं वेयर बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आप इसकी यूनिट रखोगे वोल्ट में, ठीक है। इसको नोट कर लो, मैं मिटा दूं। तो इस थ्योरी के लास्ट में, कौन सी थ्योरी, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की थ्योरी के लास्ट में, जब आपने ये सारे फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला प्रूफ कर दिया था, उसके बाद आप ये लाइनें लिख सकते हो, दिस थ्योरी वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय क्लिंटन डेविजन एंड लस्टर जर्मर इन 1927। कहने का मतलब है डी ब्रोगली ने थ्योरेटिकली ये रिजल्ट निकाल दिया था, बट इस
रिजल्ट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई जिन्होंने किया वो थे डेविजन एंड जर्मर, और इन्होंने इसको इस फॉर्मूले को वेरीफाई कब किया 1927 में, ये वेरीफाई किया कि ये फॉर्मूला सही है और सही वर्क कर रहा है मटेरियल पार्टिकल के ऊपर। इनफैक्ट क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव तो इलेक्ट्रॉन का भी इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रेक्शन पैटर्न मिला। तो फर्दर जॉर्ज पेगेट थॉमसन इन 1928 शोड दैट इलेक्ट्रॉन बीम शो डिफ्रेक्शन पैटर्न। तो कहने का मतलब डिफ्रेक्शन पैटर्न सिर्फ उन्हीं का मिलता था जो वेव का नेचर शो करते थे, तो इलेक्ट्रॉन बीम का अगर डिफ्रेक्शन पैटर्न एक्सपेरिमेंटली थॉमसन ने 1928 में अगर डिस्कवर किया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है प्रैक्टिकली, तभी तो हमें डिफ्रेक्शन पैटर्न मिला। तो ये बातें हम आप नोट्स में लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ऐसा नहीं कि डी ब्रोगली की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ मैटर वेव, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ही अप्लाई हो रही थी। उन्होंने इस थ्योरी को हीलियम एटम पे भी अप्लाई किया और हीलियम एटम से एसोसिएटेड जो मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ का भी फॉर्मूला डी ब्रोगली ने ड्राइव किया। कैसे ड्राइव किया वो समझते हैं। तो देखो, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक, अगर मान लो मैं इसमें HE गैस भरी हुई है, हीलियम गैस भरी हुई है, तो इसके मॉलिक्यूल रेंडमली मोशन करते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी कि हर एक मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल ऑफ गैस रेस्ट में नहीं होते, हमेशा मोशन करते रहते हैं। तो हमेशा मोशन करते रहते हैं यानी उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, बिकॉज ये बाउंड नहीं होते हैं, ये बिहेव लाइक अ फ्री पार्टिकल। तो कहने का मतलब है, आप क्या कहोगे, गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर हैज नो पोटेंशियल एनर्जी They have only kinetic energy. जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी के फॉर्म में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। वैसे ही क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी कि गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर फ्री मूव करते रहते हैं, यानी अनडिस्टर्ब, यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं जब तक कोई कोलिजन या दीवार से टकरा ना जाए, कंटेनर की वॉल से टकरा ना जाए। तो इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो कहने का मतलब है हीलियम गैस एटम के बारे में, यानी HE गैस एटम, ठीक है, HE गैस एटम के पास जो टोटल एनर्जी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, यहां पे याद रखना, यहां पे जो m है वो है मास ऑफ हीलियम एटम, और ये b क्या है, वेलोसिटी ऑफ HE एटम। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब मैं आपको, ये तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं, यानी सारी चीजें हम क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बताएंगे और लास्ट में डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्वांटम थ्योरी वाला रख देंगे, ठीक है। अब क्लासिकल थ्योरी एक और चीज कहती है कि एक पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब है एक पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है, वो एस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कैसे लिखोगे, हाफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के टी। क्लियर हो गई बात, यानी क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, हाफ एफ के टी। एफ क्या है, डिग्री, ठीक है, एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है,
टेम्परेचर डिग्री केल्विन में, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं, आपको टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री केल्विन में रखनी है। क्लियर होगी बात? क्लासिकल की एक थ्योरी क्या बोल रही है कि हीलियम एटम के पास जो टोटल एनर्जी ई है उसका फॉर्मूला ये है, तो यहां रख दे। यानी क्लासिकल थ्योरी एक तो कहती है कि जो गैस मॉलिक्यूल है उनके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और इस इन सब चीजों को मिटा दूं, पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है। तो पहला रिजल्ट क्लासिकल थ्योरी का ये था, और दूसरा रिजल्ट क्या कहता है क्लासिकल थ्योरी का, किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक पार्टिकल का क्या हुआ कि वो कितने तरीके से मोशन कर सकता है। अब देखो, जो ये पार्टिकल है गैस का पार्टिकल, या तो वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो वो वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या वो जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यानी कहने का मतलब है ये पार्टिकल सिर्फ तीन तरह से मोशन कर सकता है। इसका मतलब एक गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू 3 होती है। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर मैं हर एक हीलियम एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करूं तो वो आएगी 3। यानी एक हीलियम एटम की टोटल एनर्जी, ये क्या है, ये भी है एनर्जी ऑफ सिंगल एच ई एटम। और क्लासिकल की एक और थ्योरी थी वो ये थी, उसके अकॉर्डिंग भी सिर्फ एक पार्टिकल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो टोटल एनर्जी क्या होगी, ई इक्वल टू 3/2 kT, क्योंकि एफ की वैल्यू 3 है। ये भी है एनर्जी ऑफ सिंगल एच ई एटम, ठीक है। ये दोनों ही बातें क्लासिकल थ्योरी समझाती है, ठीक है। मैंने सारे टर्म का मतलब लिख दिया था, क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? तो इन दोनों को इक्वेट करने पे हमें क्या पता चलेगा, यहां से हमें पता चलेगा, ठीक कर ले तो हो जाएगा 1/2 mv² = 3/2 kT, ठीक है। अब यहां पे मैं बता दूं कि हर एक पार्टिकल, यहां पे सारे के सारे हीलियम एटम के गैस की, हीलियम एटम की जो वेलोसिटी होगी वो सेम नहीं होगी। यहां पे जो v है ये मैं बता दूं एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी है, या एक तरह से आरएमएस वेलोसिटी है। अब आप कहोगे ये एवरेज वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी क्या है सर? तो सिंपल सी बात है कि ओवरऑल अगर हम हर एक एटम, हीलियम एटम को निकालें और चेक करें कि उसकी वेलोसिटी क्या है, तो मैक्सिमम हीलियम एटम की जो वेलोसिटी निकली वो वी ही थी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नहीं तो आप डिटेल में कहीं और ये वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च मार देना एवरेज वेलोसिटी क्या होती है या आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी ऐसी वेलोसिटी जो मैक्सिमम हीलियम एटम के पास है उसी वेलोसिटी को हमने यहां यूज किया है, ठीक है। यानी हम ये मान सकते हैं कि हर एक, फॉर ईच हीलियम एटम, यानी यहां पे सिंगल हीलियम एटम है, और यहां पे हम वी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अभी समझाते हैं, इसको मैं मिटा दूं फिर समझाते हैं। यहां वी क्या है, वी क्या है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ ईच एच ई एटम। कहने का मतलब है जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और हर एक हीलियम एटम के को निकाल के चेक किया उसकी वेलोसिटी क्या है, तो मैक्सिमम हीलियम एटम की वेलोसिटी वी ही आई। तो यानी ये वी किसके बराबर होगा, वी आर एम एस वेलोसिटी की, वी आर एम एस, वी आर एम एस, आर एम एस मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर होगी बात? बट यहां पे समझो कि वेलोसिटी ऑफ ईच हीलियम एटम, ठीक है। यानी आप अगर सिंपली डिफाइन करना चाहते हो तो यहां पे आप लाइनों में, नोट्स में ये लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ईच हीलियम एटम। तो यहां से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, mv² = 3 kT, तो v² = क्या हो गया, 3 kT / m। यानी इसको और सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 3 kT / m। यहां से हमें वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम पता चल गई, तो क्या मोमेंटम निकाल सकते हैं? इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो
then momentum of H E atom कितना होगा? P equal to mv. तो P क्या हो गया? अगेन ये भी एक नॉन रिलेटिविस्टिक केस है. यहाँ पे मास जो है वो रेस्ट मास मूविंग मास इक्वल होता है, बिकॉज हीलियम एटम के केस में V की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होती है C से, यानी रेस्ट मास मूविंग मास के लगभग इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम रेस्ट मास मूविंग मास टर्म यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज अ नॉन रिलेटिविस्टिक केस. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो m अंडर रूट 3 के टी बाई एम, या इसको p की वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 एम के टी. अगर हमें हीलियम एटम का मोमेंटम पता चल गया तो क्या हम इसके हीलियम एटम से एसोसिएटेड डी ब्रोगली मैटर वेव की वेवलेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. ठीक है, मिटा दो, पॉज करके फटाफट नोट करते रहा करो. ठीक है, नहीं तो आप पीछे छूट जाओगे और मैं आगे निकल जाऊंगा. ठीक है, तो अब यहां से मतलब ये सब चीजें हमें कैसे करनी है? क्लासिकल थ्योरी की हेल्प से. देन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी ऑफ मैटर वेव, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, इट मीन्स एच अपॉन अंडर रूट थ्री एम के टी. दिस इज द एक्सप्रेशन. आप लिख सकते हो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विथ हिट हीलियम एटम इन मोशन. ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर लो. अब मैं आपको बताऊं कि ये भी फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, यानी एक्सपेरिमेंटली इस फॉर्मूले को प्रूफ किया गया है कि ये फॉर्मूला सही है. तो क्या लाइनें लिखोगे वो भी नोट कर लेते हैं. तो आप ये भी लिख सकते हो दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड बाय एक्सटरमैन फ्रिंज एंड स्टॉन इन 1930. इन तीनों ही साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली इस फॉर्मूले को चेक किया कि ये फॉर्मूला सही है या गलत. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो इसका मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम भी थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली करेक्ट पाया गया. ठीक है, इसका मतलब ये भी एक वेरिफिकेशन था कि डी ब्रोगली मैटर वेव की जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही है. ठीक है, इसके बाद और भी चीजें डी ब्रोगली ने बताई. इसके बाद डी ब्रोगली ने अपनी मैटर वेव की थ्योरी से बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन को भी एक्सप्लेन किया. तो पहले समझ लेते हैं बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है. ठीक है, तो ये बात है 1913 की. ठीक है, जब नील्स बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या थी? देखो 1913 से पहले एटम को क्या समझा जाता था? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से. रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह से. ये मॉडल था किसका? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. ठीक है, बट इस मॉडल में एक कमी थी जो क्लासिकल थ्योरी ने बताई, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ऑलवेज लूज इट्स एनर्जी. कहने का मतलब है अगर एक चार्ज पार्टिकल लगातार एक्सेलरेट हो रहा है तो वो अपनी एनर्जी लगातार लूज करता रहेगा. कहने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है तो ये लगातार अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहा है. देखो इस तरह से, अगर इलेक्ट्रॉन
जब सर्कुलर पाथ में इस न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं और वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सेलरेट हो रहा है। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सेलरेट हो रहा है तो ये अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा और लूज करता हुआ लास्ट में ये न्यूक्लियस के ऊपर ही गिर जाएगा। अगर ये अपनी एनर्जी लूज कर रहा है तो ये लगातार न्यूक्लियस के नजदीक आता रहेगा और लास्ट में न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। इसका मतलब एटम स्टेबल नहीं रहेगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो इसके मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम का स्ट्रक्चर कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली हम हमेशा देखते थे कि एटम मिलते हैं हमें और स्टेबल स्टेट में मिलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को नील्स बोहर ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। नील्स बोहर ने क्या दिया, एक हाइपोथेसिस दिया जिस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है टोटल हटा सकते हो आप, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑलवेज सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम के में, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है ये मैंने मिटा दिया, उनका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसी कंडीशन शो करता है, एल इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये कंडीशन को होल्ड करेगा। यहां पे एल क्या है, ठीक है एल है लिख देते हैं, एल क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट और टू पाई को तो आप जानते हैं, और यहां पे एन को भी बता देते हैं, वेयर एन क्या है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस एन को क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन अगर एटम के अंदर है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस का चक्कर तो लगाएगा, बट वो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है और अगर मैं कहूं कि इसकी रेडियस r है, ठीक है, और वो इस इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l की वैल्यू m v r हो जाएगी, वो किसकी इक्वल होना चाहिए एन एच अपॉन टू पाई के, ठीक है वेयर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और वो ऑर्बिट ऐसा है, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अगर इस कंडीशन को वो होल्ड कर रहा है देन इलेक्ट्रॉन लूज नो एनर्जी, देन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, क्लियर। इन सच एन ऑर्बिट, क्लियर होगी बात, क्या था फिर से समझ लेते हैं। नील्स बोहर ने अपनी थ्योरी में ये बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते हैं, बट सिर्फ उन्हीं सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते हैं जिनके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन ये हो जाता है। इस ऑर्बिट को उन्होंने परमिटेड ऑर्बिट बोला, परमिटेड ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में ये कंडीशन होल्ड कर रहा है उनको परमिटेड ऑर्बिट कहते हैं। और उन्होंने यह हाइपोथेसिस दिया कि जो भी इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन लूज नो एनर्जी व्हेन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सच एन ऑर्बिट, अगर ऐसे किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड
तो इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरेगा और एटम हमेशा ही स्टेबल रहेगा। ये थ्योरी थी उनकी। तो कुल मिला के नील्स बोर की ये थ्योरी को हम यहाँ लिख देते हैं कि कंडीशन क्या थी, एल इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ये नील्स बोहर ने एक हाइपोथेसिस दिया, हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जिस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये कंडीशन होल्ड करता है, ये कंडीशन कहने का मतलब एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन होती है इस फॉर्मूले में, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा और अपने उस पाथ पे कंटिन्यूअस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता रहेगा। ये थ्योरी थी नील्स बोहर की और इस तरह से उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया। बट अब इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि कैसे डी ब्रोगली ने अपने मेटल वेव की थ्योरी से इस फॉर्मूले को प्रूफ किया, ये भी तो देखना है कि फॉर्मूले को प्रूफ कैसे किया मेटल वेव की थ्योरी से, तो वो देख लेते हैं। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है इस तरह से, तो इस इलेक्ट्रॉन से एक मेटल वेव एसोसिएटेड होगी, ठीक है। कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है, इसका मतलब इसके साथ इस इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए एक वेव गाइड कर रही है, यानी इलेक्ट्रॉन को मोशन करते हुए एक वेव गाइड कर रही है, यही वेव को मैटर वेव कहते हैं, मैटर वेव। तो डी ब्रोगली ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, किसी परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट जैसा कि नील्स बोहर ने बोला, उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है, तो कहने का मतलब उसमें एक वेव होगी जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को गाइड करेगी, ठीक है। उस वेव को ही हम मैटर वेव कहते हैं। तो अब इस वेव की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं बोलूं कि इस ऑर्बिट की रेडियस है आर, तो इस ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, यानी इस ऑर्बिट की टोटल लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ ऑर्बिट कितनी होनी चाहिए, 2πr। अब डी ब्रोगली की मैटर वेव की थ्योरी क्या कहती है कि जो मैटर वेव इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को गाइड करेगी, उसकी वेवलेंथ इस 2πr के इस टाइप की होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो वेवलेंथ होगी या तो 2πr के इक्वल होगी, या जस्ट डबल होगी 2πr के, या जस्ट ट्रिपल होगी 2πr, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 2πr या 4 लैम्डा 2πr, इस तरह से रिलेशन होगा इस मैटर में। अरे सिंपल सी बात है कि अगर ये लेंथ है, देखो अगर ये 2πr लेंथ है तो वेव कैसी हो सकती है, या तो ऐसी वेव होगी, अगर ये 2πr है तो या तो ऐसी वेव होगी, या अगर ये 2πr है तो कैसी वेव होगी, ऐसी, ठीक है। एक लैम्डा, एक दो, ये एक वेव है, ये दो वेव है, और ये हो गए तीसरी वेव, ठीक है, ये हो गए तीसरी वेव, ठीक है। तो कहने का मतलब है यानी ये 2πr यहाँ पे क्या है, 2πr किसके इक्वल है, एक वेवलेंथ के, यहाँ पे 2πr किसके इक्वल है, 2 वेवलेंथ के, यानी जस्ट 2λ के इक्वल हो सकती है। ऐसे ही सर्कमफेरेंस की लेंथ 2πr 3λ के इक्वल हो सकती है। तो एक जनरल फॉर्मूला उन्होंने बना दिया कि 2πr nλ के इक्वल हो सकती है, वेयर n क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जैसा कि मैंने दिखाया है। सिंपल सी बात है ना, जो सर्कमफेरेंस की लेंथ होगी वही तो वेवलेंथ होगी, यानी वेवलेंथ या तो ऐसी हो सकती है, या तो वेवलेंथ ऐसी हो सकती है, या तो वेवलेंथ ऐसी हो सकती है। सिंपल सी बात है कि वेव पूरी बनेगी, अगर कोई वेव एक पार्टिकल को गाइड कर रही है तो वेव तो कंप्लीट होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे भी वेव कंप्लीट है, यहाँ पे भी वेव कंप्लीट है, और यहाँ पे भी वेव कंप्लीट है। इसी तरह से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जितनी भी वेव्स बनेंगी वो सब कंप्लीट वेवलेंथ वाली होंगी, ठीक है। तो ये क्या कहां से आया, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मैटर वेव,
तो आप इस बात को कैसे लिख सकते हो? आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी ऑफ मैटर वेव, लेंथ ऑफ ऑर्बिट, लेंथ ऑफ परमिटेड ऑर्बिट कह सकते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ परमिटेड ऑर्बिट, लेंथ ऑफ परमिटेड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन. सिंपल सी बात है, वो फॉलोइंग कंडीशन क्या है, यानी टू पाई आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, ठीक है ना, टू पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा. आप बता सकते हो वेयर आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो अब इस कंडीशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं और मिटा दें इसको. तो जब ये कंडीशन हम लेंगे तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं. आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो देखो, 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मैटर वेव लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है. हमें पता है ना कि मैटर वेव की वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, एच अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी. यहां पे मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहां पे मैं ये फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी. अब देखो एम वी को इस साइड ले आओ, पाई को इस साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई. अच्छा आपको पता है एम वी आर क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. तो आप ये लिख सकते हो एन इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है. दिस इज द बोहर कंडीशन ऑफ बोहर, दिस इज द कंडीशन ऑफ बोहर्स परमिटेड ऑर्बिट्स, ठीक है. तो इस तरह से डी ब्रोगली ने अपनी मैटर वेव की थ्योरी की हेल्प से नील्स बोहर के परमिटेड ऑर्बिट की कंडीशन को प्रूफ किया, ठीक है. इसको नोट करना है, नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं. डी ब्रोगली मैटर वेव ने ये जो फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में ये जो नए तीन कॉन्सेप्ट दिए वो इतने इंपॉर्टेंट थे कि वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुए और करेक्ट निकले, ठीक है. उसके बाद भी डी ब्रोगली मैटर वेव ने एक और कॉन्सेप्ट, यानी इस थ्योरी ने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम पार्टिकल इन अ बॉक्स कहते हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स, ठीक है. ये फिजिक्स का ये एक ऐसा कंसेप्ट था जिसने पूरी की पूरी फिजिक्स को हिला के रख दिया. अब कैसे हिला के रख दिया वो समझते हैं, ठीक है. पार्टिकल इन अ बॉक्स कंसेप्ट था क्या, ठीक है. डी ब्रोगली ने अपनी थ्योरी में एक कंडीशन अज्यूम की. कंडीशन क्या थी कि एक पार्टिकल ऑफ मास m है, ठीक है. यहां पे हमने एक पार्टिकल लिया है जिसका मास क्या है, मास m है, ठीक है. यहां पे देखो मैं एक बात बता दूं, ये तीनों ही तीनों कंडीशन में मैंने क्या कंडीशन ली है, ये जितने भी टॉपिक अब तक मैंने डी ब्रोगली मैटर वेव की थ्योरी से जितने भी टॉपिक
समझाए वो कैसे कैसे केस थे, नॉन रिलेटिविस्टिक केस थे, नॉन रिलेटिविस्टिक केस थे, यानी कैसे केस थे जहां मूविंग मास रेस्ट मास के इक्वल है, कहने का मतलब है वेलोसिटी काफी कम थी स्पीड ऑफ लाइट से, समझ गए, यानी डी ब्रॉगली मैटर वेव की हेल्प से हमने जितनी भी थ्योरी अब तक पढ़ी सब कैसी थी, नॉन रिलेटिविस्टिक केस वाली थी, यानी कंडीशन क्या थी, रेस्ट मास मूविंग मास के इक्वल है या पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है, इसीलिए मैं हर बार मास को एम से दिखा रहा हूँ और उस मास को सिर्फ हम मास ही बोल रहे हैं, ना तो रेस्ट मास बोल रहे हैं ना तो मूविंग मास बोल रहे हैं, हम सिर्फ उसको मास बोल रहे हैं, बिकॉज हम कौन सा केस यूज कर रहे हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक केस, मीन्स मूविंग मास इज इक्वल टू रेस्ट मास, तो हम सिंपली कह रहे हैं एक पार्टिकल जिसका मास एम है, उस पार्टिकल को अगर हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, इस बॉक्स की लेंथ क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल तक है, यानी टोटल लेंथ में कहूं इस बॉक्स की कितनी है, एल है, और इस बॉक्स में अ पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल, क्लियर हो गई बात, अब इस पार्टिकल की कि क्या क्या एनर्जी पॉसिबल है उसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है, क्लासिकली ये पार्टिकल कैसा होगा, एक गैस मॉलिक्यूल होगा जिसको हमने बॉक्स में या एक कंटेनर में बंद कर रखा है, तो हमें पता है क्लासिकली इस पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी और इसका एक्सप्रेशन होगा हाफ एम वी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी हमें पता है जो v है v चेंज कंटिन्यूअसली, इसका मतलब e कैन हैव ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी, कहने का मतलब क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो कंटिन्यूसली चेंज हो सकती है या उसकी सारी पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल है जो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v की कोई सी भी वैल्यू पॉसिबल है, v क्या हो सकता है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, √2 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है वेलोसिटी की, इसी तरह से एनर्जी की भी सारी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, बट जब इस केस को हम कब स्टडी करें, डी ब्रॉगली मैटर वेव की थ्योरी से अगर इस केस को स्टडी करें तो हम क्या देखते हैं कि जो इस पार्टिकल की एनर्जी होगी उसका एक्सप्रेशन जस्ट इसके अपोजिट आता है, कहने का मतलब उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, जैसा कि मैक्स प्लांक ने अपनी क्वांटम थ्योरी में बताया, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी फोटॉन थ्योरी में बताया, इस तरह से इस पार्टिकल की एनर्जी क्वांटाइज होती है, न कि क्लासिकल थ्योरी का फॉर्मूला यूज करते हैं, न कि ये पार्टिकल की एनर्जी इस फॉर्मूले से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, कैसे, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आया, क्योंकि अगर हम डी ब्रोगली की मैटर वेव की थ्योरी अप्लाई करें तो जब ये पार्टिकल मोशन में होगा तो ये पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, उस वेव की कंडीशन क्या है, या तो वेव ऐसी होगी या पार्टिकल की एनर्जी कुछ ज्यादा हो तो इससे एसोसिएटेड वेव कुछ ऐसी होगी, या इस पार्टिकल की एनर्जी और ज्यादा हो तो इस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव कुछ ऐसी होगी, या एक और कंडीशन ले लेते हैं, इस पार्टिकल की एनर्जी और ज्यादा हो, यानी जैसे जैसे हाइट इंक्रीज कर रहा हो इसका मतलब पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है, तो इस पार्टिकल की से एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है, ये हमने कंडीशन दिखा दी, ठीक, यानी कुल मिला के इस पार्टिकल से एसोसिएटेड मैटर वेव कुछ ऐसे ही डायग्राम शो करेगी अगर हम डी ब्रोगली मैटर वेव की थ्योरी को समझ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे
मैं बोलूं कि यहां पे वेव की वेवलेंथ कितनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, इस वेव के इस पार्ट को हम वेवलेंथ कहते हैं, इसकी पूरी लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इस पार्ट की वेवलेंथ कितनी है बताओ, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? कहने का मतलब है मैं अगर इसे वेवलेंथ के टर्म में लिखूं तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी वेवलेंथ ऐसे नहीं लिखेंगे 2 लैम्डा, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं थोड़ा गलत हो गया, इसीलिए आप लोग मजे ले रहे हो, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये वेवलेंथ समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, ये इस लेंथ को हम वेवलेंथ कहेंगे, तो ये अगर लेंथ एल है तो वेवलेंथ से इसको रिलेट करो तो क्या हो जाएगा, अगर ये एल है ठीक है तो इसकी वेव को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये वाला हिस्सा दिखाना पड़ेगा, यानी अगर मैं कहूं कि मुझे वेव का सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है तो इस वेव की वेवलेंथ कैसे निकलेगी, यानी इस वेव की टोटल वेवलेंथ कितनी हुई, यही तो हुई जो पार्ट इसने मिस कर दिया, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो ये वेव का एक पार्ट है, क्योंकि हमें पता है वेवलेंथ क्या होता है, एक अप एक डाउन का कॉम्बिनेशन एक वेवलेंथ होता है। तो कहने का मतलब है अगर एल सिर्फ इतना हिस्सा कंटेन करता है तो एल और लैम्डा का रिलेशन क्या होगा, 2L = λ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतना हिस्सा अगर L है तो इतना हिस्सा भी तो L होगा इस वेव का, यानी लैम्डा क्या हो गया यहाँ 2L हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो गया, λ = 2L, ठीक है। अब इस हिस्से को देख लेते हैं, क्योंकि बॉक्स की लेंथ यही है और लैम्डा भी यही होता है, तो यही यहां से मिला λ = L, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2L/2, सिंपल सी बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं λ = 2L/2 लिख देता हूं, क्लियर हो गई बात? देखो यार स्टडी कर लो, अच्छी तरह से समझ लो, नहीं तो पार्टिकल इन अ बॉक्स कभी समझ में नहीं आएगा। कंडीशन क्या है मैं अगर बता दूं कि एक पार्टिकल एक 1D रिजिड बॉक्स में पैक है, और मैं बताऊं कि ये पार्टिकल हर एक कॉलिजन के दौरान अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है, कंडीशन ये है। तो स्टार्टिंग की जो लाइन होगी मैं लिखवा दूंगा, आप चिंता मत करो, पहले ये डायग्राम समझ लो, ये डायग्राम समझ गए फिर नोट्स में आप क्या लिखोगे वो समझा दूंगा, ठीक है। तो ये समझ गए वेव का सिर्फ इतना सा हिस्सा वेवलेंथ के टर्म में अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वेव का सिर्फ इतना पार्ट अगर एल है तो इतना पार्ट भी एल ही होगा, तो लैम्डा क्या होता है, λ = 2L हो जाएगा। और यहाँ पे देखो L लेंथ भी इतनी है और वेव भी पूरी कंप्लीट है, इसका मतलब λ = L, यानी 2L/2। अच्छा ये वाले हिस्से की स्टडी करते हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या है, ऐसे है ऐसे ऐसे ये है ना। अच्छा ये पूरा बॉक्स की लेंथ है, तो देखो इतने हिस्से तक यहां तक ये लैम्डा हुआ और ये क्या हो गया, ये वाला हिस्सा λ/2 हुआ, दिखाई दे रहा है। तो यानी यहां पे L क्या हो गया, ये λ + λ/2 यानी 3λ/2 हो गया, यानी लैम्डा की रिलेशन निकाले λ = 2L/3 हुआ। तो इसका मतलब इस वेव के लिए वेवलेंथ की रिलेशन L के साथ क्या हो जाएगी, λ = 2L/3, 2L/3, क्लियर हो गई बात, ठीक है। बेटा तू लास्ट वाले हिस्से को समझते हैं, तो कहने का मतलब है अगर वेव कैसी हो, ऐसी हो और ऐसी हो, ठीक है, ये वाला हिस्सा है। तो देखो ये बॉक्स की पूरी लेंथ हो गई L, और यहां पे देखो यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो गई λ, और यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो गई λ। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे ये टोटल बॉक्स की लेंथ है L, तो L = 2λ,
एल इक्वल टू टू लैम्डा, या मैं इसी को लैम्डा के टर्म में लिखूं, लैम्डा इक्वल टू टू एल बाई फोर। शॉर्टकट मार दे रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहां से तो आपको क्लियर हुआ ना, एल इक्वल टू टू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू एल बाई टू, या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं टू एल बाई फोर। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू टू एल बाई फोर। ठीक है, तो मैं इन सब चीजों को मिटा दूं। ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं और नोट्स में आप लोग क्या लिखोगे वो समझा देता हूं। ठीक है, वो लिख देता हूं फिर डेरिवेशन करता हूं। तो जब आप पार्टिकल इन अ बॉक्स के नोट्स बनाओगे तो आप ये लाइन लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ l विद इम्पेनेट्रेबल वॉल। कहने का मतलब है ये जो पार्टिकल है इस वॉल को भेद के बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम इम्पेनेट्रेबल वर्ड यूज कर रहे हैं। सपोज पार्टिकल मूविंग बाउंसेज, मतलब या तो आप कह सकते हो पार्टिकल मूव कर रहा है या इस टकरा इस दीवार से टकरा के बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, सपोज पार्टिकल मूविंग या बाउंसेज बैक एंड फोर्थ इन एक्स डायरेक्शन ओनली। कहने का मतलब है ये पार्टिकल जब मोशन करता है तो ये मोशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में करता है, और जब ये एक्स डायरेक्शन में मोशन करता हुआ टकराता है तो आगे पीछे मूव करता है, बस इतना ही कर सकता है ये पार्टिकल, ये कंडीशन है। ठीक है, such that it does not lose energy from the collision with wall। कहने का मतलब है जब ये इस टाइप का मोशन करता है, कहने का मतलब है ये एक्स डायरेक्शन में जब मोशन करता है और दीवार से टकरा के फिर वापस मोशन करने लग जाता है एक्स डायरेक्शन में, तो इस कॉलिजन के दौरान जब ये पार्टिकल वॉल से कॉलिजन करता है तो उस दौरान कोई एनर्जी लूज नहीं करता, ये सब हम अज्यूम कर रहे हैं इस कंडीशन में। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल विल बी कितनी होनी चाहिए, लैम्डा इक्वल टू टू एल बाई एन, ये होनी चाहिए। अब कैसे लिखा मैंने, देखो यहां पे इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो n की वैल्यू आप 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन पुट करते रहोगे तो फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो लैम्डा इक्वल टू 2l मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो लैम्डा इक्वल टू 2l बाई 2 मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2l बाई 3 मिलेगी, ऐसी n की वैल्यू अगर 4 पुट करोगे तो लैम्डा इक्वल टू 2l बाई 4 मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल अगर एक सिंगल वन डायमेंशनल बॉक्स में ट्रैप्ड है तो उसकी मैटर वेव की वेवलेंथ कुछ इस तरह से या ये फॉर्मूला फॉलो करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, अगर फिर से समझना है तो समझ लो फिर कि कैसे कैसे इनको मैंने इनकी वैल्यू कैसे कैसे पुट करी। तो देखो n की वैल्यू 1 थी तो वेव कैसी थी, ऐसी थी। ये क्या है, ये बॉक्स की लेंथ है। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 पुट करने पे लैम्डा इक्वल टू 2l हमें मिला। लैम्डा इक्वल टू 2l हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज वेव तो कब तब कंप्लीट होगी जब ऐसी ही आधा हिस्सा इधर को होगा, तो आधा हिस्सा और इधर बनाओगे तो l और जनरेट हो जाएगा। यानी इस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, वेव की वेवलेंथ तो ये हुई, यानी वेव की वेवलेंथ क्या होगी 2l। तो इस तरह से ये बना। अगेन देख लो, n इक्वल टू 2 पुट करा तो वेव कैसी बनी, ऐसी बनी। तो यहां तो क्लियरली दिख रहा है अगर बॉक्स की लेंथ l है तो लैम्डा भी तो l है, तो लैम्डा इक्वल टू l, या इसी को ऐसे लिख सकते हो लैम्डा 2l बाई 2। इस तरह से और भी वेव्स निकलती रही, जैसे ये वाली वेव्स, फिर से समझा रहा हूं ताकि आप भूलो ना कि बॉक्स की लेंथ ये है। अच्छा, यहां पे वेवलेंथ क्या हुई, यहां तक के हिस्से को तो लैम्डा हम कह सकते हैं, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया लैम्डा बाई 2। तो यहां से l इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल दोगे तो 2l बाई 3 हो गई।
तो इस तरह से ये मैंने फॉर्मूले बनाए थे। तो कुल मिला के डी ब्रोगली ने अपनी मेटल वेव की थ्योरी की हेल्प से ये बताया कि अगर एक पार्टिकल बॉक्स में ट्रैप्ड है तो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड मेटल वेव की वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। क्लियर हो गई बात? अब क्योंकि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी, टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, यानी ऑफ दिस पार्टिकल कहने का मतलब ऐसा पार्टिकल अगर क्लासिकल थ्योरी से ट्रीट किया जाए तो उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई पार्टिकल की टोटल एनर्जी। अच्छा, इस लैम्डा से हमें मोमेंटम भी तो मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो क्लासिकल थ्योरी है, इस फॉर्मूले को हम बाद में यूज करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी ऑफ मैटर वेव हमें पता है, क्या पता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई मोमेंटम, ठीक है। तो यहां से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई लैम्डा, ठीक है। अच्छा, और लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा क्या है अकॉर्डिंग टू दिस पार्टिकल इन अ बॉक्स वाली थ्योरी से, लैम्डा की वैल्यू है 2L बाई एन। क्लियर हो गई बात? यहां पे P की वैल्यू रख दें तो लैम्डा की वैल्यू रखें तो लैम्डा क्या हो जाएगा, H अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 2L बाई एन, या इसको हम लिख सकते हैं एन एच बाई 2L। ये हुआ मोमेंटम, यानी पी को हम यहां पे साइड में लिख देते हैं एन एच बाई 2L, ठीक है। ये आ गया मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, कैसा पार्टिकल, जो वन डायमेंशनल बॉक्स में ट्रैप्ड हो तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मैटर वेव उसका मोमेंटम इतना होगा, ठीक है। आप यहां लिख सकते हो दिस इज द मोमेंटम ऑफ ट्रैप्ड पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ऐसे लिख सकते हैं। सारी चीजें आपको पता है, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, मेन चीजें रहने देंगे, बाकी सब मिटा देंगे। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा, m भी क्या होता है, मोमेंटम, तो ये क्या हो गया, मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। यानी क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी ऑफ अ ट्रैप्ड पार्टिकल, या इस केस में पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m, क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पी की वैल्यू पुट कर दूं तो यहां पे P की वैल्यू जब हम एनर्जी में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2m को आगे लिख देते हैं और P का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर ब्रैकेट बाद, ठीक है। और यहां पे आप बता दोगे वेयर n क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां पे एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 हो जाएगी, 2 रखोगे तो यहां पे एनर्जी 2 आएगी, यहां पे 3 रखोगे तो एनर्जी इसका मल्टीप्लस 3 आएगी। कहने का मतलब है मैं यहां पे क्या कर देता हूं, एक काम कर देते हैं, इस एनर्जी को हम E नॉट, यानी इस टर्म को एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर को हम E नॉट कर देते हैं,
तो यानी एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसा हो गया, एन स्क्वायर ई नॉट। और ये क्या है, मिनिमम मिनिमम एनर्जी ऑफ ट्रैप्ड पार्टिकल। ठीक है, तो यहां से हमें दिख रहा है एक ट्रैप्ड पार्टिकल की एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं हो सकती, कुछ उसकी डिस्क्रीट वैल्यू आ सकती है। कहने का मतलब है इस पार्टिकल की एनर्जी कितनी हो सकती है वो हम यहां लिख देते हैं। देखो इस स्टेट में n की वैल्यू क्या थी, यहां पे देखो n की वैल्यू इसके लिए 1 है, n की वैल्यू इसके लिए 2 है, n की वैल्यू इसके लिए 3 है, n की वैल्यू इसके लिए 4 है, जो भी नीचे आ रहा है वही तो है। ठीक, तो n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो एनर्जी ई नॉट, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 ई नॉट, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 9 ई नॉट, n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 16 ई नॉट। तो आप देख रहे हो जो जो रिजल्ट आ रहा है पार्टिकल की एनर्जी की क्या वैल्यू आ रही है, कुछ सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है। ऐसा नहीं कि एनर्जी की कोई सी भी वैल्यू पॉसिबल है, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ही पॉसिबल है जिसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, ठीक है ये एक्सप्रेशन लिख देना, ये भी एक्सप्रेशन लिख देना, और फाइनल लाइन क्या होगी, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ ट्रैप्ड पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स दिस एक्सप्रेशन शोज that energy of a trapped oblique bounded particle is always quantized, ठीक है, is always quantized। ये फिजिक्स में ना अब तक बहुत नई बात थी, यानी ये कब की बात थी, ये 1924 की बात थी, तो ये काफी नई बात थी कि यार किसी पार्टिकल की एनर्जी क्वांटाइज होती है, क्योंकि अब तक तो फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज होती है ये पता था, एटम जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इमिट करता है वो क्वांटाइज होती है ये पता था, लेकिन कोई पार्टिकल अगर बाउंड स्टेट में है, बाउंड स्टेट कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं और इसको मैं मिटा देता हूं। बाउंड स्टेट कहने का मतलब क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन एटम से बाउंड है, कहने का मतलब एक न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन अगर बाउंड है तो ये भी एक बाउंड स्टेट है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्यों क्वांटाइज होती है, उसका रीजन ये पार्टिकल इन अ बॉक्स से मिलता है। क्लियर होगी बात, क्योंकि एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज होती है। ठीक है, उसका रीजन किससे पता चल गया हमें, ये पार्टिकल इन अ बॉक्स के एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से, जिसमें हमें ये पता चला कि अगर एक पार्टिकल को हम बाउंड स्टेट में देखें तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज होती है और उसका फॉर्मूला ये होता है, और जहां पे ये एन की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, इस एन को हम क्या कहते हैं, वेयर एन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको नोट कर लो, पॉज करके मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इस फॉर्मूले में एक बात है, इस n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एग्जाम में देखो एक बात बता दो, यहाँ पे समझ लो, एग्जाम में देखो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी या डी ब्रोगली मैटर वेव का कंसेप्ट लिखने के लिए कम आता है, बट उसकी ये सब एप्लीकेशन ज्यादा आती है। कहने का मतलब एग्जाम में ये सब पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इन्हीं सब पॉइंट पे, ना कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को एक्सप्लेन करो या व्हाट इज डी ब्रोगली मैटर वेव, ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ,
डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम बताओ, या बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन को डी ब्रोगली मैटर वेव की थ्योरी से एक्सप्लेन करो, या पार्टिकल इन अ बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा वो बताइए। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में कवर किया। इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो अब तक हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा वो देख लेते हैं। तो डी ब्रोगली मैटर वेव का फॉर्मूला हमने सीखा कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी कैसे आया, ठीक है। और इस फॉर्मूले से या इस थ्योरी से हमने क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या कंक्लूजन हमें मिले, उसके फोर कंक्लूजन हमने यहां लिखे हैं। और इन फोर में ये खास बात है कि हमने यहां पे नॉन रिलेटिविस्टिक केस लिया है। चारों के चारों थ्योरी को हमने कब सॉल्व किया है, जब कंडीशन क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन है। नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन कहने का मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है, कहने का मतलब है मूविंग मास रेस्ट मास के लगभग इक्वल है। अच्छा, फर्स्ट कंसेप्ट में हमने क्या सीखा, जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई बी, यही सीखा। सेकेंड, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम के लिए वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या मिला हमें, आपको याद है, मैं तो भूल गया, देख के लिख लेता हूं, एच अपॉन थ्री एम के टी, ये मिला। फिर ऐसे ही बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी, थर्ड, कि लैम्डा इक्वल टू, क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी, एल इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, वेयर एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। ये प्रूफ कैसे किया, ऐसे प्रूफ किया टू पाई आर, यानी लेंथ ऑफ ऑर्बिट किसके इक्वल होनी चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए, लेंथ ऑफ ऑर्बिट एन लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ही हमने ये सारी चीजें प्रूफ करी, क्लियर हो गई बात। और फोर्थ यानी पार्टिकल इन अ बॉक्स का एक्सप्रेशन क्या था, फोर्थ पॉइंट, कि टोटल एनर्जी पार्टिकल इन अ बॉक्स क्या होगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए एम एल स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन स्क्वायर ई नॉट, ठीक है। ई नॉट क्या है, वेयर ई नॉट क्या था, एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर, ठीक है। एन क्या है, एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आती हैं। तो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ही है, यही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।